सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। प्रभु कहते हैं हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा और यदि छल हुआ है तो आगे चलकर हिसाब भी होगा। मांगना नहीं कमाना सीखो, फिर चाहे इज्जत हो या दौलत। जब आप किसी पर बिना किसी शक के पूरी तरह भरोसा करते हैं तो आपको अनंतः दोनों में से एक परिणाम मिलता है। जीवन के लिए एक व्यक्ति या जीवन के लिए एक सबक। आज का पंचांग 23 अगस्त 2022 दिन मंगलवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 8:30 तक रहेगी। आद्रा नामक नक्षत्र सुबह 10:44 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वशु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:39 से 5:14 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:04 से 12:54 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। वृश्चिक राशि 23 अगस्त 2022 दिन मंगलवार, आज आपका नाम होगा और आपको प्रसिद्धि भी मिलेगी। आज आप तर्क के स्थान पर अपने दिल की आवाज और प्रवृत्ति के आधार पर फैसले कर सकती हैं, लेकिन वे भी वित्त के मामले में लाभकारी ही साबित होंगी। आप इन दिनों फैसले लेने में सबसे अधिक महत्व अपने मन की आवाज को देती हैं, लेकिन आपको भविष्य की बेहतरी के लिए वर्तमान समय में कुछ आरामों को छोड़ना होगा। स्थान परिवर्तन की योजना बना रहे हैं तो आज गतिविधियां शुरू हो सकती है। प्रभावशाली लोगों के सानिध्य में रहने से आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव आएगा। बच्चों का ध्यान अपनी पढ़ाई पर केंद्रित रहेगा। परिस्थिति नकारात्मक न होने के बाद भी बेचैनी रहेगी। आपके प्रश्नों के जवाब प्राप्त होने में और वक्त लग सकता है। अपने आसपास की ऊर्जा को सकारात्मक बनाने की कोशिश करें। जितना हो सके उतना खुली हवा और साफ सुथरे वातावरण में रहने की कोशिश करें। काम की क्वालिटी पर ध्यान न देने की वजह से महत्वपूर्ण अवसर खोने की संभावना बन रही है। रिलेशनशिप संबंधित नकारात्मकता को समझने की कोशिश करें। नींद से संबंधित बेचैनी महसूस होगी। सावधानियां, गुस्से और आवेश जैसी परिस्थितियों से दूर रहें। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों को और अधिक बेहतर बनाएं। इससे आपसे संबंधों में और अधिक मजबूती आएगी। इस समय ना तो किसी को पैसा उधार दें और ना ही कोई वादा करें। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक व्यवस्था सुखद और अनुशासित होगी। प्रेम संबंध मधुर और मर्यादित बने रहेंगे। आपका कोई नया दोस्त या परिचित बन सकता है। इससे आपको प्यार के गहरे अर्थ का पता चलेगा और आप सच्चे और बनावटी प्यार में अंतर समझ पाएंगे। इन सारी चीजों से आपको अपने लिए सही व्यक्ति का चुनाव करने में भी मदद मिलेगी। आज मिलने वाले हर व्यक्ति से अच्छा व्यवहार करें। बात करते हैं करियर की। व्यवसाय गतिविधियां सामान्य बनी रहेगी। लेन देन करते समय पक्के बिल का प्रयोग करना जरूरी है। किसी भी गैर कानूनी काम में रुचि न लें, इंक्वायरी आदि हो सकती है। अच्छा आपका दिन उत्तम भी रहेगा। कार्य क्षेत्र पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। इनकम बढ़ाने के कुछ अच्छे मौके भी आपको मिल सकते हैं। सामाजिक मोर्चे पर नेटवर्किंग फायदेमंद साबित होगी। परिवार में आपका पॉजिटिव व्यवहार लोगों को प्रभावित करेगा। बच्चों को शिक्षा में व्यवधान आ सकता है, वह फेल भी हो सकते हैं अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो। बात करते हैं करियर की। कार्यस्थल का प्रेम आपको एक चुंबक की तरह आकर्षित कर रहा है, लेकिन कार्यालय काम करने के लिए है, अपनी भावनाओं को दिखाने के लिए नहीं। यह आपको याद रखने की जरूरत है। आपके सहकर्मी इस बात की सराहना नहीं करेंगे। यह एक मुंह हो सकता है। अपने काम पर ध्यान लगाइए और अगर ये होना है तो यह निश्चित रूप से होगा, अन्यथा यह बुलबुले की तरह से फूट जाएगा।
निष्पक्षता पूर्वक इसे लें। बात करते हैं सेहत की। इस बात का ध्यान रखें कि आज ऑफिस में कौन बीमार है और उनके द्वारा प्रयोग किए जा रहे चीजों को या उपकरणों का प्रयोग करने से बचें। अगर आप ऐसा कर पाए तो आसानी से संक्रमण से भी बच सकते हैं। आप बहुत परोपकारी हैं और दूसरे का जितना ख्याल आप रखते हैं वह वास्तव में प्रशंसा के योग्य है, लेकिन ना भूले कि अपना ध्यान रखना भी जरूरी है, इसलिए अपना ख्याल भी रखें। आज का उपाय। आज हनुमान भगवान जी को बूंदी का भोग लगाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।